अगर मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ पे उंगली उठाए तो सबसे पहले मेरा सामना करना। राजनीतिक सूझबूझ की पहचान रखने वाली बीजेपी सांसद दिया कुमारी राजस्थान की चुनावी रणभेड़ी में बेहद आक्रामक मुद्रा में हैं। वे जयपुर की विद्यानगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जयपुर में बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले विद्यानगर सीट से पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है और इसके लिए पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के दामाद और वर्तमान विधायक नरपत सिंह राजवी तक का टिकट काट दिया है। बीजेपी में तो कई नेताओं के समर्थक अपने नेता को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। इसी कड़ी में दिया कुमारी का भी नाम आ रहा है, जो अभी राजसमंद की सांसद हैं और जयपुर राजघराने की राजकुमारी हैं। राजनीतिक हलकों में ये बात कही जा रही है कि बीजेपी आलाकमान राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके उनकी जगह पर दिया कुमारी को बढ़ावा दे रहा है। कहा जा रहा है कि चुनाव जीतने पर पार्टी दिया कुमारी को मुख्यमंत्री बना सकती है। वहीं विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र की जनता भी उन्हें वसुंधरा राजे का विकल्प मान रही है। पार्टी नेतृत्व से मिल रहे भारी तवज्जो के बाद दिया कुमारी ने भी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आमतौर पर शांत स्वभाव की माने जाने वाली दिया कुमारी चुनाव में बेहद आक्रामक मुद्राओं के साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं। दिया कुमारी किस अंदाज में चुनाव लड़ रही हैं वो इनके इस बयान से समझ लीजिए। ये जो बहन बहन करते हैं 2013 से लेके 2023 तक मुझे जानते हैं और 2023 की दिया कुमारी बहुत अलग है। मुझे लगता है मेरे सामने वालों को रोड शो करने की बजाय वहाँ होना चाहिए था। रोड शो करने जय जयकार नहीं बना है। क्यों? वो महिला के पास जाना आपका कर्तव्य नहीं है? हम लोग भी अपनी चुनावी सभा छोड़ के गए, आप लोगों को 2 घंटे यहाँ वेट करना पड़ा। मैं भी कर सकती थी कि नहीं मेरे को प्रचार करना, नहीं मेरे लिए वोट जरूरी। कोई भी अगर मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ पे उंगली उठाए तो सबसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव से पहले ये नाटक नहीं कर रही है। 5 साल हम सब ने ये किया। मैं गई हूँ बाड़मेर, मैं गई हूँ प्रतापगढ़, मैं गई हूँ भीलवाड़ा, मैं गई हूँ उदयपुर, मैं गई हूँ इन सब जगहों पर। सिर्फ मैंने गई हूँ, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा पूरी टीम जाती है। दिया कुमारी कांग्रेस पर भी जमकर हमलावर हैं। वे राजस्थान सरकार के साथ साथ कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठा रही हैं। दिया कुमारी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर भी तीखा हमला बोला। हर जगह आप देखिए कम से कम 20-30 घटनाएं रोजाना रिपोर्टेड घटनाएं सामने आ रही है महिला अत्याचार की। प्रियंका गांधी ये बड़ी बड़ी सभाओं में तो जाती है, चुनावी सभाओं में जा रही है, एक बार भी किसी पीड़िता के घर गई है क्या? मैं बार बार कह रही हूँ, क्या ये महिला, ये लड़की लड़की नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश में तो आप बहुत बड़े बड़े नारे लगाती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो ये क्या लड़की इंसान नहीं? महंगाई तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, पेट्रोल डीजल सबसे ज़्यादा महंगा राजस्थान में, स्टेट वैट तो उन्होंने लगाया। आप सभी चीज़ों का अगर देखें कंपैरिजन तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में ये सब चीज़ें महंगी हैं, क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल ही इतना महंगा होगा तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ों की प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी में इन्होंने कहा बिल कम होंगे, अगर आप किसी से भी पूछिए उल्टा बढ़ चढ़ के बिल्स आए, 3 गुना ज़्यादा बिल्स आए। तो महंगाई की जब ये बात करते हैं तो धरातल में वो दिखता क्यों नहीं है? कहीं भी कोई महंगाई कम नहीं हुई, ये सब बातें करते हैं, झूठी घोषणाएं, झूठे वादे, लेकिन धरातल पे 0। डेवलपमेंट पे के नाम पर भी इन्होंने कुछ भी नहीं किया राजस्थान में। क्या वे बीजेपी के चुनाव जीत जाने पर मुख्यमंत्री पद की दावेदार होंगी? इस सवाल के जवाब में वे कई मीडिया इंटरव्यूज में बता चुकी हैं कि यह फैसला मेरे हाथ में नहीं है। उनका कहना है कि यह फैसला पार्टी नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड को ही करना है। हालांकि दिया कुमारी का दावा है कि वह चुनाव जीत रही हैं और राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। टाइम्स नाउ, नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।